भाई साहब कैमरा थोड़ा पीछे ले जाइए, क्या करते हैं? तीन दिन में तीन लगातार अटैक्स हुए, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जैसा कि मैंने कहा कि इस प्रकार की टेररिस्ट अटैक की अंदेशा हम पहले से ही कर रहे हैं और उसके लिए पूरी इंतजाम किया गया है। हमारे सभी ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स, जवान सभी अपने ड्यूटी पॉइंट पे हैं, इंतज़ाम कर रहे हैं और जो हमसे बेस्ट बन पा रहा है वो कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि वी आर अप टू द चैलेंज एंड वी विल इंश्योर दैट द इलेक्शन अरेंजमेंट्स, द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इज डन टू द बेस्ट पॉसिबल। श्रीनगर में इस प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं, श्रीनगर में आपका ऑर्डर की अपनी प्रॉब्लम है, ऊपर से आप काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग होती है, कितना मुश्किल है आपके लिए ये चैलेंज कर पाना? वेल, आप जैसा कि जानते हैं कि ये मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसे हम नहीं कर पाएंगे और नहीं कर पा रहे हैं। इन्हीं सब हालात के अंदर बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं और आगे भी अच्छे काम करते जाएंगे। आज साहब श्रीनगर में इस तरह के हमले होना क्या चिंता की बात है, क्योंकि श्रीनगर में मिलिटेंट नहीं प्रेजेंस नहीं था, तो क्या मिलिटेंट प्रेजेंस श्रीनगर में बढ़ गया है? देखिए, मिलिटेंट एक्टिविटी जहाँ भी हो और उसको रोकने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है और बहुत हद तक हम लोग सक्सेसफुल रहे हैं और हमारे ऑफिसर्स, जवान सभी कोई कोशिश कर रहा है कि इस पे पूरी चुस्ती के साथ और पूरी सफलता के साथ हम काम करें। लश्कर ने इस हमले की जिम्मेदारी दी, क्या लश्कर का कोई नया मॉड्यूल है?